अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत हाई रिस्क सर्जरी है, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में रिस्क ज्यादा है क्या? अब ज्यादा या कम, अगेन कंपैरेटिव है, क्योंकि हम किसी चीज को ज्यादा तब बोल सकते हैं जब किसी अपन किसी चीज से उसको कंपेयर करें, क्योंकि बिना कंपेयर के ये किसी चीज को हम ज्यादा या कम नहीं बोल सकते हैं। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का रिस्क डेफिनेटली सर्जरी जितना तो है ही है, यानी कि अगर आप कोई सी भी सर्जरी करते हैं तो उतना रिस्क तो है ही है। बट यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, कार्डियक प्रॉब्लम है, या आपको पेट के अंदर कोई और बीमारी है जिसकी वजह से आपका फिटनेस नहीं आ रहा है, यानी कि आपके लंग्स में और हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये सर्जरी हाई रिस्क हो जाती है। यानी कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बीपी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यदि है तो डेफिनेटली आपको रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए पहले प्रॉपर फिटनेस लेना पड़ता है, बीपी को प्रॉपर कंट्रोल करना होता है, अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, इको कराना है, ईसीजी कराना है, एक्सरे कराना है, सारा जब अपने को फिटनेस मिल जाता है तभी ऑपरेशन कर सकते हैं। और कई हार्ट की बीमारियों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर पेट के अंदर गैस डालकर इस तरीके से पेट को फुलाया जाता है, जिसके कारण डायफ्राम यानी कि जो सांस लेने वाली मसल है जो छाती और पेट को अलग करती है, डायफ्राम एक बीच में पर्दा होता है जो उसका मूवमेंट रुक जाता है, और पूरा पेशेंट को हम वेंटिलेटर पर लेके सर्जरी करते हैं। तो आपका यदि फिटनेस नहीं है और हार्ट आपका कमजोर है तो डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करानी चाहिए, या फिर आपके कार्डियोलॉजिस्ट से पहले फिटनेस लेनी चाहिए। आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको अलाउ करता है कि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है तभी आपकी सर्जरी अलाउड है, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपको लंग्स की समस्या है, अस्थमा है या और कुछ है, तो डेफिनेटली उसमें टेक केयर किया जा सकता है, मेडिसिन दे के उसको ठीक किया जा सकता है और उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है। तीसरा, यदि आपके कोई बहुत ज्यादा बड़ी गांठ है जो कि लेप्रोस्कोपी से टेकल नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में भी थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है। बट हमारा रिकॉर्ड 5.5 किलो तक की गांठ निकालने का है, यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर आपकी हर बीमारी दूर कर सकता है, बस एक ही शर्त है कि आपको फिटनेस पूरी मिली हुई होनी चाहिए। अब जो अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा वो यही है कि क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ज्यादा दर्द होता है? दर्द ना हो इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इजाद हुई है, यानी कि इसकी खोज ही सिर्फ इसलिए की गई है कि पेशेंट को दर्द कम से कम हो। यानी कि जब ओपन सर्जरी करते थे इतना बड़ा चीरा लगाते थे तो चीरे के कारण बहुत ज्यादा पेन होता था, पेशेंट को 4 से 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था, उस पर टांके लगते थे, टांकों के कारण पेशेंट का उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता था, 3 से 4 दिन तक तो पेशेंट बेड से हिल ही नहीं पाता था, और स्किन के ऊपर कट लगने के कारण दर्द भी काफी ज्यादा होता था। तो इसीलिए इस चीरे को खत्म करने के लिए ही की होल सर्जरी यानी कि छोटे छेद बनाकर सर्जरी का खोज किया गया, ताकि चीरा ना लगाना पड़े, बीमारी पूरी निकल जाए और उसके बाद रिकवरी भी फास्ट हो सके। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, या होता है तो भी बहुत ही कम होता है, जो कि आसानी से सहन किया जा सकता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आपको अस्पताल में ज्यादा रुकने की जरूरत भी नहीं होती है। तो यदि आपको दर्द नहीं चाहिए और अपना इलाज भी कराना है, सर्जरी भी करानी है, तो आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही चूज करनी चाहिए। अब जो बार बार हम समझाते तो रहते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे कॉमन सवाल, जैसे ही किसी को सर्जरी एडवाइस की जाती है तो सबसे कॉमन सवाल एक ही पूछा जाता है कि मैडम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेटर है या ओपन सर्जरी बेटर है? अब मैं समझता हूँ कि जितना आपने अभी तक अगर वीडियो मेरा सुना है, देखा है, तो आपने ये समझ लिया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या क्या फायदे हैं, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अगर मैं ये कहूं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेटर है या अच्छी है, या आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करवानी चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्यों करानी चाहिए। बट फिर भी मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्यों करानी चाहिए, क्यों ये ओपन सर्जरी से बेटर है, क्या इसमें फायदे हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, चीरा नहीं लगेगा, छोटे छेद बनाकर ऑपरेशन होगा, चीरा नहीं लगने से टांका नहीं लगेगा, निशान नहीं बनेगा, टांका पकेगा नहीं, खुलेगा नहीं, हर्निया नहीं बनेगा और दर्द भी नहीं होगा, आपको उठने बैठने की कोई समस्या नहीं होगी, टांकों का कोई परहेज नहीं करना पड़ेगा, आपका नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ अलाउड रहेगा, और चीरा लगने के कारण जो ब्लड लॉस होता है वो भी नहीं होगा। यानी कि चीरा नहीं लगा तो चीरे से रिलेटेड सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो गई है, यानी कि आप एकदम से पेन फ्री हो गए हैं, तकलीफ से मुक्त हो गए हैं, और आपकी सर्जरी भी पूरी होती है, और जो सर्जरी पूरी हो रही है वो भी इतने अच्छे तरीके से देखकर सर्जरी हो रही है कि आंखों से जो नहीं दिख रहा वो दूरबीन से दिख रहा है, 20 गुना बड़ा दिख रहा है, 4K कैमरे के साथ 3D विजन में सर्जरी हो रही है, तो इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। अगर आपको छोटी छोटी ब्लड की आरबीसीज भी दिख रही है तो इससे ज्यादा तो आप कभी भी आंखों से नहीं देख सकते, और जो आंखों से देख के सर्जरी कर रहे हैं
तो अगर उनको आपसे ज्यादा बेटर दिख रहा है तो आप ज्यादा प्रिसाइज तरीके से सर्जरी करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि डायमंड की पॉलिश करने वाले लोग लेंस लगाकर, बड़ा लेंस आंखों में लेंस लगाकर फिर उसको डायमंड को पॉलिश करते हैं ताकि उसका कोना कोना वो निखार सके, कोना कोना घिस सके और वो डायमंड में चमक ला सके। इसी प्रकार एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी लेप्रोस्कोपिक यानी कि अपनी दूरबीन से देखकर आपके कोने कोने में बीमारी ढूंढ कर निकाल देता है और कोई भी छोटा से छोटा टुकड़ा या छोटी से छोटी बीमारी भी अंदर नहीं छोड़ता है, जिससे कि पूरे पेट की दूरबीन से जांच होकर अच्छे से आपका इलाज हो जाता है और आपको एक से दो दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी भी कर देता है, आपको कोई परहेज भी नहीं बताता, आपको दर्द भी नहीं होता और बीमारी भी पूरी निकल जाती है। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी मरीज इससे ज्यादा नहीं चाह सकता, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता कि उसकी बीमारी निकल जाए और उसको तकलीफ भी ना हो, उसको परहेज भी नहीं बताया जाए और अस्पताल से जल्दी से छुट्टी भी कर दे। तो ये सारे फायदे यदि आपको दूरबीन के ऑपरेशन में मिल रहे हैं तो क्या आप फिर भी ओपन सर्जरी करवाएंगे? आई डोंट थिंक सो, कि आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आप बहुत अच्छी चीज चूज करेंगे।